लगता बॉय। अरे बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, लगता है नहीं बचेगा। अरे यार भाई साहब, भाई साहब क्या हुआ? अरे कार एक्सीडेंट हो गया। कैसे गिरा है, क्या हुआ यार? पुलिस को फोन लगाओ, पुलिस को फोन लगाओ जल्दी। दोनों को फोन कर दिया, वो आते ही होंगे। शीशा तोड़ के बचाते क्या? पुलिस का इंतजार करो। कराची रक्षा करना। हाँ संजय बोलो। वो जब यहाँ से गया तभी मुझे लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। मेरा बेटा सबके लिए कितना कुछ करता है, बस फिर भी लोग उसे सुनाते रहते हैं। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं किसी को माफ नहीं करूँगा। अरे शुभ शुभ बोल लीला, शुभ शुभ बोल। भगवान करे हमारा वंदरा ठीक हो। हटो, पीछे 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 पीछे। सांसें तो चल रही है, आप इनके परिवार से हो? फोन मैंने उठाया था, ले लीजिए। क्या गुस्सा है यार कि तुम मेरा फोन तक नहीं आंसर कर रहे हो। गॉड, कहाँ जाऊं मैं, कहाँ ढूंढूं वी को, क्या करूं? इतना बड़ा झगड़ा होने के बाद वो अनुपमा के पास तो वापस नहीं गया होगा, लेकिन जा भी सकता है। आखिर मुझसे झगड़ा होने के बाद वो वहां नहीं जाएगा तो और कहाँ जाएगा? से कोई एक ही आ सकता है। मैं जाता हूँ। नहीं समर, वहाँ लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी। तू मम्मी को लेके बाइक पे आ, मैं जाता हूँ। एक मिनट, आप कौन? ये मेरे पापा है और ये मेरी मम्मी। ओके, चलो ले चलो। रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ये सब वो काव्या की गलती है। उसके मनुष्य कदम इस घर में पड़े और उसे मेरी आई लगेगी, और जिसे माँ की आई लगती है ना, वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं रह सकता। लीला, ये किसी को बद्दुआ देने का नहीं, अपने बेटे के लिए दुआ मांगने का समय है। मम्मी, भाई को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। वो उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? अभी कुछ नहीं पता है, बस डॉक्टर चेकअप करेंगे, फिर ही एग्जैक्टली पता चलेगा कि भाई को क्या हुआ है। पर कह रहे थे कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। ठाकुर जी, मेरे बेटे की रक्षा करना। मुझे जाना है उसके पास, मुझे अभी क्या अभी उसके पास लेकर चलो। हाँ, फिर मुझे भी पापा के पास जाना है। प्लीज, वो वहाँ पहुँचकर मुझे फोन करेंगे, फिर पता चलेगा कि भाई को एग्जैक्टली हुआ क्या है। मुझे नहीं लगता कि उससे पहले हमें से किसी को भी हॉस्पिटल जाना चाहिए। लॉली ठीक कह रही है। घर में बता दिया संजय भाई? हाँ। बैंक का कार्ड लाया तो समर? नहीं मम्मी, नहीं। अभी आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास पैसे हैं। हाँ, कम पड़ गए तो क्या करेंगे? वो सब हो जाएगा और सब ठीक भी हो जाएगा। वो बार फॉर्म भरना है, वो मैं जाके। अब मैं सब कुछ कर लूँगा, अब बस अपने आप को संभालिए। हाँ। रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लड़के रोते नहीं हैं। लड़के भी रोते हैं अंकल। जब अपने माँ बाप को तकलीफ में देखते तो लड़के भी रोते हैं। ये मेरे साथ नहीं है और मैं इनके साथ हूँ अस्पताल में। What? एक्सीडेंट हो गया है इनका। Oh my God! 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 ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह से वी की हालत है। क्यों झगड़ा किया मैंने वी के साथ? क्यों 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 झगड़ा किया मैंने उसके साथ? डॉक्टर जी वो ठीक है ना? देखिए लकीली कोई भी इंटरनल इंजरी नहीं हुई है। जो भी एक्सटर्नल इंजरीज हुई है उनको हमने ड्रेसिंग कर दिया है। फिर भी सेफ्टी के लिए एक बार उनका फुल बॉडी स्कैन करना पड़ेगा। जितना मेजर ये एक्सीडेंट था उस हिसाब से काफी कम चोट आई है। आपकी दुआओं ने बचाया है उन्हें। हाँ लेकिन एक इशू है, उनके राइट शोल्डर में एक हल्की सी चोट है। उसके लिए एक माइनर सर्जरी करनी पड़ेगी सो दैट फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। सर्जरी? रिलैक्स, माइनर सी सर्जरी है। इनफैक्ट आपको तो खुश होना चाहिए कि मौत के मुंह से वो सही सलामत वापस आए हैं। जाना है तो चले जाइए। वैसे भी इसकी वजह से आप पहले ही घर की चौखट छोड़ चुके हैं। पारितोष का बाप हूं और शादी की विधियों में बैठना मेरा हक है। Thank God, Papa. Mr. Shah ठीक है। वो तुझे सुन नहीं रहे हो तो तू नहीं पापा बोल सकता। Don't worry भी, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। वनराज, वनराज कहाँ है? वनराज कहाँ है? चिंता की कोई बात नहीं है। वनराज भाई अब खतरे से बाहर है। भगवान किसी माँ बाप को ऐसा दिन ना दिखाए। वनराज ठीक तो है ना? तुम्हें बेसो ने बेसो। आई भगवान की कृपा से और आपके आशीर्वाद से इन्हें ज्यादा छूट नहीं आई। बात गाड़ी तो पूरी तरह से खत्म हो गई। थैंकफुली वनराज भाई बच गए। अच्छा है उन्होंने लास्ट वीक ही गाड़ी की इंश्योरेंस रिन्यू करवाई थी। डॉक्टर जी ने कहा है कि घबराने की जरा भी बात नहीं है। वो अंदरूनी चोट नहीं आई है ना? और दिल की चोट का क्या जो तूने उसे दी है? कि जो कुछ भी हुआ है तेरी वजह से हुआ है। तू चाहती तो बात को संभाल सकती थी, पर तूने बात को इतना बढ़ाया कि मेरा बेटा शादी की विधि में नहीं बैठ सका। अरे सोच उस पर क्या बीती होगी, कितना परेशान हुआ होगा, कितना दुख हुआ होगा, तो गाड़ी चलाते ध्यान नहीं रहा। और जो कुछ भी हुआ है, वनराज की जो हालत है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तू है। और सिर्फ तू नहीं, तेरी वो सौतन भी, वो यहाँ आती नहीं। वो ठीक तो है? एक्सीडेंट कैसे हुआ? वो ठीक है ना अनुपमा? बोलो प्लीज, प्लीज बोलो। ठीक है वो। सच? थैंक गॉड मेरा भी ठीक है। थैंक गॉड। गॉड मेरा भी ठीक है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बाह, शांत हो जाइए, हॉस्पिटल है। और ये क्या कब से मेरा भी लगा रखा है? तू क्या उसे दहेज मिलाई थी तो तेरा हो गया? अरे पूरा नाम तो नहीं ले सकती है और चली आई थी पूरा साथ निभाने। बाह, ये सब बातें अभी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ जिसका तुम दोनों ने जीना हराम कर दिया है। अब मेरे बेटे की जो यहाँ हालत है ना, उसकी जिम्मेदार तुम दोनों हो, तुम दोनों। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।